आज एक बहुत गहरी बातें सुना रहे हैं, इसलिए आप भी उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम सुना रहे हैं कि मातृ गर्भ के अंदर ही धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। कैसे? ये हमारी बात नहीं है, स्वयं परमात्मा ने जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाए हैं उसी बात को आपके सामने हम स्पष्ट कर रहे हैं। स्वयं भगवान ने सुनाया, जैसे इस दुनिया में जो बहुत बड़ा क्राइम करते हैं या गलती करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको जेल में बंद करके सजा दी जाती है। लेकिन ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो बहुत बड़ा क्राइम करने के बाद भी कोई छल करके, धोखा करके उस जेल जाने से या तो उस सजा से छूट जाते हैं। लेकिन हमेशा लोग एक बात कहते आए हैं, भगवान उसका जरूर विचार करेगा, भगवान उनको जरूर सजा देंगे। लेकिन भगवान स्वयं आकर कह रहे हैं, ना भगवान ऐसी कोई बातों का कोई विचार करते हैं, ना भगवान कोई इस प्रकार से किसी को सजा देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, हर एक के अपने कर्म अनुसार पाप कर्मों की सजा ऑटोमेटिकली मिलती है धर्मराजपुरी में। लेकिन ये धर्मराजपुरी कहाँ होती है, कैसे उसका जेल होता है, कैसे उसमें सजा मिलती है, आप सुनकर हैरान होंगे। लेकिन जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना है। भगवान की भाषा में ये गर्भ ही जेल है और ये गर्भ महल भी बनता है। लेकिन आज यहां हम ये गर्भ जेल कैसे हैं, कैसे उसमें पाप कर्म की सजा भोगकर बाहर निकालते हैं, इसी बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं। और गर्भ महल कैसे बनते हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखिए, ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास वो शो हो जाए। लेकिन आज यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं ये गर्भ जेल कैसे हैं। इस जैसा जेल इस दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इस जेल को हमें समझना है। इस गर्भ के अंदर जब बच्चा 4 से 5 महीना होता है, तब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है माना शरीर धारण करती है। और ऐसे गर्भ के अंदर के ऐसे अंधेरी कोठरी जहां रोशनी का नाम और निशान नहीं, भले इस दुनिया में बाहर में घोर अंधेरी रात हो, लेकिन सितारों की रोशनी मिलती है। रोशनी के लिए कोई ना कोई साधन मिल जाते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं। घोर अंधेरी हो और बिल्कुल अकेले हो, दिखाई कुछ भी ना दे कि हम कहाँ हैं, कुछ भी पता नहीं हो, कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन बाहर में जो कुछ होता है उनको आवाज तो सुनाई देता है। गाय या तो भैंस, जो कुत्ते बिल्ली जो भी आवाज करते हैं, इंसान या गाड़ी मोटर ट्रेन, जो भी बाहर में आवाज हो रही है आवाज उनको सुनाई देते हैं, लेकिन दिखाई कुछ भी ना दे तो कैसा लगते हैं वो बातें। अर्थात ट्रेन की आवाज हो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हर पल गर्भ के अंदर मृत्यु के डर से गुजरते रहे तो उसको कैसा अनुभव होगा। अब इस करुणा काल में ये बहुतों ने यह अनुभव कर लिया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अपनी स्वतंत्रता से वो बाहर में घूमना या किसी से मिलना, अगर उनको ये बंद कर दिया जाए, एक कमरे में उनको बंद कर दिया जाए, भले उनको खाना पीना जो भी आवश्यक है सब कुछ दिया भी जाए, लेकिन फिर भी वो घुटन महसूस करते हैं। अपने ही घर में 15 दिन एक कमरे में अगर रहना पड़ते हैं फिर भी वो जेल समान अनुभव करते हैं। और जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करते हैं जहां रोशनी का नामो निशान नहीं है और वहां कोई समय का भी हिसाब नहीं है कि सुबह है या दोपहर है, कोई घंटा तिथि तारीख वो भी समय का कोई हिसाब नहीं है, और 10 15 दिन की भी बात नहीं है, 5 से 6 महीना तक उस गर्भ के अंदर रहना पड़े और बिल्कुल अकेले हो, तो उस समय उनको कैसा महसूस होगा। जैसे इस दुनिया में चोर के मन में पुलिस का डर रहता है, अगर पिछले जन्म में पाप कर्म किया होगा, अगर किसी को सताया होगा, किसी को मारा होगा, पीटा होगा, या तो किसी को काटा होगा, कोई जानवर को हत्या किया होगा, अगर उस प्रकार के जानवर की आवाज सुनाई दे या उस इंसानों की आवाज सुनाई दे तो उसको उस प्रकार का डर उत्पन्न होगा। या तो कभी कभी जैसे स्वप्न में सजा का भी अनुभव करते हैं, उस प्रकार से वो स्वप्न जैसा भी वहां अनुभव करते रहेंगे। इस दुनिया में भी
जो बहुत पाप कर्म करते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, या तो बहुत अत्याचार भ्रष्ट काम करते हैं, उसको इस दुनिया में भी रात को नींद नहीं आती है। भले वो बिस्तर पर सोते हैं, सोते हुए भी वो नींद, चैन की नींद नहीं आती है, गोली खा के नींद करते हैं। भले गर्भ में अंधेरी कोठरी है, घोर अंधेरा है, लेकिन उसमें भी उसको नींद नहीं आएगी। अर्थात पाप कर्म क्या होगा, तो पाप कर्म की सजा स्वरूप में उसको नींद भी नहीं आएगी। हर पल वो सजा जैसा अनुभव करेंगे और हमेशा वो पश्चाताप करते रहेंगे और भगवान से माफी मांगते रहेंगे। भले इस दुनिया में कोई ऐसे भी होता है कि भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, भगवान के बारे में भी कोई उल्टा सुलटा कमेंट करने वाले होते हैं, लेकिन जब गर्भ के अंदर इस प्रकार की सजा भुगते हैं तो वो भी त्राही त्राही करके भगवान को याद करते हैं, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते हैं। इसलिए बच्चा जब बाहर निकालते हैं, बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे का आप चेहरा को देखिए, उस बच्चे की आप अवस्था को देखिए। बच्चा दुखी होते हुए रोते हुए आते हैं। क्यों रोते हुए आते हैं? क्योंकि गर्भ के अंदर वो उस प्रकार की सजा भोग कर आते हैं। और इस दुनिया में जन्म भी एक मृत्यु की सजा समान है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने कर्मों पर कि हम कोई ऐसा पाप कर्म ना करें ताकि हमें इस प्रकार की सजा भोगनी पड़े। ओम शांति।